हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा और आज आपके लिए लाया हूं राग शिवरंजनी। राग शिवरंजनी के तीन ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, जिनमें से एक है राग शिवरंजनी का आलाप और दो है राग शिवरंजनी की बंदिशें, जो कि दोनों दीपचंदी ताल में। आज मैं आपके लिए राग शिवरंजनी, जो कि मिश्र शिवरंजनी है, इसमें प्योर शिवरंजनी नहीं है, थोड़े और भी स्वर म और नी भी मिक्स कभी कभी हो रहे हैं, तो ये मिश्र शिवरंजनी में ताल कहरवा में एक बहुत प्यारी सी, एक बहुत करुण सी एक बंदिश है, जो कि स्वर मालिका है, शब्द नहीं है। इसके साथ आपके सामने मैं पेश करूँगा और बाद में आपको एक एक लाइन नोटेशन के साथ सिखाऊँगा। तो राग शिवरंजनी की बात करें तो शिवरंजनी में भूपाली जैसे स्वर आते हैं, सारे ग पद सा ध प ग रे सा, लेकिन ग कोमल रहता है। सारे कोमल ग पद सा ध प कोमल ग रे सा, ये शिवरंजनी है। इसी तरह के शिवरंजनी की तीन आइटम मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब ये जो शिवरंजनी आज मैं देने जा रहा हूँ, ये है मिश्र शिवरंजनी, यानी इसमें म तीव्र म भी आएगा और नी शुद्ध नी कोमल नी भी आएगा, तो ये थोड़ा मिश्र है लेकिन बहुत प्यारा सा राग है। नॉर्मली शिवरंजनी बहुत करुण राग है, तो ये भी बंदिश है बहुत करुण है, एकदम मन एकदम अस्वस्थ हो तब शांति से सुने तो और अच्छा लगेगा। आप इसको बजाएंगे तो भी इस बंदिश से आपको प्यार हो जाएगा, इतनी प्यारी, बहुत इसमें से आपको बाहर निकलना ही मन नहीं होगा, इतनी प्यारी बंदिश है ये। जब आप ये बजाने जाएंगे, आधा घंटा बजाएंगे, तो आपको इस बंदिश में से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा कि चलो यही इसी को माइंड में चलने देते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी बंदिश मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके पहले इसको सफ़ेद तीन यानी ई बेस की बांसुरी में मैं आपके सामने एक बार बजा के सुना देता हूँ। यह है कहरवा ताल में, आठ मात्रा का कहरवा ताल, 100 BPM की स्पीड, थोड़ी स्लो स्पीड है, 100 BPM की स्पीड है। तो ई बेस और बाद में ई की छोटी फ्लूट में मैं आपको सुनाता हूँ, पहले सुनिए बाद में मैं इसका एक एक लाइन का नोटेशन का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सुनिए पहले ये राग शिवरंजनी की बंदिश। Thank you.
हाँ तो दोस्तों अब ये हमने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी की एक बहुत प्यारी सी ताल कहरवा की बंदिश। आपने ये सुनी तो आपको लगा होगा कि हाँ ये बहुत प्यारी सी बहुत बढ़िया सी बंदिश है। थोड़ी सैड टोन पर है, बहुत करुण लगती है, लेकिन सुनने में और बजाने में दोनों में ही इतना मजा आता है। तो अभी इसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ मैं आपके सामने गाकर और बजाकर एक्सप्लेन करता हूँ। राग शिवरंजनी का परिचय मैं मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में पूरा दे चुका हूँ, आप वो देख लेंगे तो आपको शिवरंजनी का पूरा परिचय मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, इसमें ग कोमल रहता है और म निवर्जित रहते हैं, यानी सारे ग पद सा साधा प गरे सा। सारे ग पद सा साधा प गरे सा, ये इसका आरोह आरोह है। क्योंकि ये मिश्र शिवरंजनी है, इसमें म भी आएगा, तीव्र म भी आएगा और शुद्ध और कोमल निषाद भी आएगा। ये स्वर मैंने अभी एक्सप्लेन करने के लिए लिया है काली पांच यानी ऐसा। ये जो बंदिश है वो सम से ही यानी पहली मात्रा से, लेकिन ऑफ बीट में यानी पहली मात्रा छोड़ के दूसरी मात्रा से शुरू होती है। पहली लाइन है वन सारे ग प ध ध प ध प ग रे ग रे सा रे ग प ध ध ध प ग रे ग रे सा। ये ध के बाद जो दूसरा ध है उसके ऊपर सा का स्पर्श दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। सा रे ग प ध ध प स ध प ध प ग रे ग रे। प ध द यहाँ पे नी का स्पर्श दिया है पहली बार, दूसरी बार सा का देंगे। सा रे ग प ध ध प धनी प ध प ग रे ग रे रे, फिर सा पे जाके अटकना है लेकिन सा बोलना नहीं है, बहुत स्पर्श नोट है, पीछे का स्पर्श नोट है। सा रे ग प ध ध ध प ग रे ग रे। अब सा का टच देते हैं ध के ऊपर। सा रे ग प ध ध सा ध प ध प ग रे ग रे। कोमल है और जो ग ले रहे हैं वो तीव्र म के कण से ग ले रहे हैं, और जो उसके बाद जो म आता है वो भी तीव्र म आता है। प नी द प ये नी कोमल, प नी द प ग ये म के स्पर्श लेते हुए, तीव्र म के स्पर्श को लेते हुए ग है। ग म प ये तीव्र म म प। और ये जो प है उसको एक्सटेंड करना है आठ बिट के लिए, एकदम लंबा सा। फिर से सुनिए पूरी दो लाइन। ऐसे भी ले सकते हैं प प नी ध प ग प प नी ध प, या ऐसे भी ले प नी ध प ग म
नी द प ग म प या प नी द प ग म प आगे द स रे ग ग रे सा सा तो ये सा द है लास्ट में द लिया है द स रे ग ग रे सा सा ध प ध प ग रे द सा रे ग ग रे सा ध सा ये सा वाइब्रेशन वाला है सा ध प ध प ग प नी द प ग रे सा द सा रे ग ग रे सा सा ध प ध प ग पनी द प ग रे सा यहाँ भी प पनी भी ले लो प पनी ध प ग रे सा ये सा 8 बीट तक एक्सटेंड करना है सुनिए एक बार फिर चेंज करके यही नोट ये है ये नोट यहां पे है ऊपर पूरी लाइन ग रे सा
सा सा ग रे सा द प ध प ग रे ग रे सा। अब ये हाई की जो लास्ट लाइन है वो यहाँ फिर से ज्वाइन हो जाएगी। सा सा ग रे सा द प ध प ग रे ग रे सा प नी ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध प ग रे ग रे सा प नी ध प ग रे सा। अब उठा सा रे ग प ध ध प ध प ग रे ग रे सा सा रे ग प ध ध प ग रे ग रे सा प नी ध प ग म प। इस बंदिश का समापन स्थाई की लास्ट लाइन में नहीं करना है, स्थाई की बीच बीच वाली लाइन पे करना है। प नी ध प ग म प यहाँ पे प पे समापन करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। साई की लास्ट लाइन एक बार फिर से लेके, साई का अंतरे की लास्ट लाइन एक बार लेके साई पे समापन करते हैं। देखिए यहाँ पे समापन करना है। तो आपको सुन के ही लगा होगा कि ये बहुत प्यारी सी, बहुत स्वीट लगने वाली बंदिश है। अगर इसकी नोटेशन गाओगे तो भी अच्छी लगेगी, बांसुरी के ऊपर बजाओगे तो भी अच्छी लगेगी, और इसके बीच में आप शिवरंदी के कोई भी आलाप डाल के फिर आप फिर से मुखड़ा पकड़ के इसको थोड़ा विस्तार भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा से आप कोई भी अंदर आलाप डाल के ऐड करके थोड़ा राग विस्तार करके फिर मुखड़ा पकड़ सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये राग शिवरंजनी की कहरवा ताल की ये एक बंदिश जो कि स्वर मालिका प्रकार की है पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको आप तैयार कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब हमारे क्रम के मुताबिक एक फिल्मी गाना भी सुनाई देता हूँ। शिवरंजनी राग में ही आधारित है, यही कहरवा ताल है। टेम्पो है 140 BPM और अभी मैंने बांसुरी लिया है सी शार्प यानी काली एक। तो सुनिए ये गाना शिवरंजनी राग में कहरवा ताल 140 BPM स्पीड में सी शार्प की बांसुरी।
थोड़ा सुन लेते हैं काली एक के स्वर में, कहरवा ताल में। इस बार है 150 BPM की स्पीड, 150 BPM की स्पीड में सुनिए गाना। राग शिवरंदी पर ही आधारित है, सुनिए गाना।